हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देखकर ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे वो दोस्त जिनको अपनी ग्रूमिंग घर में करना अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेरे आईब्रोज़ को कैसे ग्रूम करती हूँ। बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं कि मैंने किसी प्रोफेशनल से मेरे आईब्रोज़ को फ़िक्स करवाया हो, क्योंकि मेरे पास ना बहुत ही बुरी हॉरर स्टोरीज़ हैं कि मेरे आईब्रोज़ को इतना ख़राब कर दिया था ना उन लोगों ने। तब से मैंने खुद से करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा अराउंड 10-12 साल से मैंने बाहर से नहीं करवाए होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे ग्रूम करती हूँ। अपने आप करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप पैसे बचाते हैं, दूसरा ये है कि जब भी आपको ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। लाइक कई बार आपको किसी इवेंट पर जाना पड़ता है तो आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही अपने आईब्रोज़ को थोड़ा ग्रूम कर लें। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे आईब्रोज़ को ब्रश करके ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा बालों को काट देती हूँ ये कैंची के साथ। ये आपको करने की ज़रूरत है अगर आपके आईब्रो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एंड बहुत लंबे बाल हों, तो इससे आपको ना आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे आईब्रोज चाहिए। उसके बाद मैं थ्रेड लेने वाली हूँ। इस थ्रेड को हम इतनी लंबाई में लेंगे कि आपके दोनों हैंड उसमें एडजस्ट हो जाएं। पर इस थ्रेड को हम गांठ बांध लेंगे एंड इससे हम हमारे आईब्रो को प्लग करेंगे। ये मैं यूज़ करूँगी मेरे फोरहेड वाले एरिया में ही एंड ये यूनिब्रो की जगह पे मिडल में एंड साइड्स पे। इसको मैं मेरी आईलेट पे यूज़ नहीं करती हूँ ये आजकल, क्योंकि मेरे आईलेट की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, तो इसके अंदर जल्दी से कट आ जाता है। पर अगर आपकी स्किन थोड़ी हार्ड है आप कर सकते हैं। पर इससे मैं सिर्फ यूज़ करूँगी कि आईब्रोज़ के बिल्कुल आगे ये आईब्रो के मिडल वाले एरिया में, ताकि यहाँ से क्लीन हो जाए। उसके बाद बाकी के बालों को मैं प्लकर के साथ ही रिमूव करती हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है और बिकेज मैं थोड़ी थोड़ी ग्रोथ में करती रहती हूँ तो ज़्यादा काम भी नहीं लगता है मुझे। और ये प्लकर आप अच्छा सा ख़रीद लें जो आपके बालों को जड़ से ही निकाल दे, क्योंकि कोई बाल होते हैं बहुत थोड़े थोड़े से दिखते हैं ना, अगर आप इसके साथ उसे निकालेंगे ना ये बहुत छोटे से भी उसे जड़ से निकाल देता है। ये मैंने इंडिया से लिया था। ट्वीज़र मैन के ट्वीज़र्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह मैं सारे खूब सारा समय लगा के मेरे सारे आईब्रोज़ को क्लीन कर लेती हूँ। यही मेरा रूटीन है, मैं ज़्यादा शेप को ख़राब नहीं होने देती हूँ। तो इसी से मैं इन आईब्रोज़ को गाइड लेके मैं आसपास की एक्स्ट्रा ग्रोथ को रिमूव करती रहती हूँ। समटाइम मुझे लगता है कि मुझे शेप को चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा थिन कर लेती हूँ या थिक कर लेती हूँ। सो इस तरह मैं मेरे आईब्रोज़ को जब भी मुझे ज़रूरत हो ग्रूम करती रहती हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बार में बताना अगर आप ऐसी कोई और वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपको नए वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। आई लव यू गाइज़ सो वेरी मच। बाई।